अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी कटलेट्स की रेसिपी बनाएंगे। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है और आप लोगों ने मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तकरीबन मेरे पास ये 3 पाव से 1 किलो आलू थे, इनको मैंने उबाल लिया और फिर इनको मैश कर लिया। ओके जी, इसके बाद ये मेरे पास तकरीबन 1/2 पाव के करीब चिकन थी और इसमें मैंने जो चिकन बोनलेस थी उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और इसको बॉईल कर लिया, बिल्कुल से पानी इसका ड्राई कर लिया और इसको ऐसे मैंने इसके पीसेस कर लिए। इसको आपने पीस लेना है, ऐसे श्रेडेड कर देना है चिकन को और इसको अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद ये मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर है, थोड़ा सा चॉप ये ऐड कर देंगे इसमें। ओके जी, ये मेरे पास 1 मीडियम साइज अनियन था तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, बाद में फिर देख लेंगे कि कितना इसमें जाएगा। अभी मैंने थोड़ा डाला, थोड़ा सा रख दिया है। उसके बाद ये मेरे पास जो 2 ग्रीन चिलीज थी और उनके बीच मैंने निकाल लिए थे और इस तरीके से उनको मैंने पेस्ट बना लिया है, वो डाल देंगे। ओके जी, अब जो ड्राई मसाले हैं उसमें मेरे पास 2 टेबलस्पून भर के धनिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया था और ये ज़ीरा है 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून मेरे पास ये दड़ा मिर्च है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और इसी तरह 1/2 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, सूखी मिर्च पाउडर है और नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। बाद में हम टेस्ट कर लेंगे, देख लेंगे अगर जो भी कमी पेशी हुई वो बाद में चेक करना है। अब हम इसको अच्छे से बस मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। देखिए ऐसे ही आपने सारे कटलेट्स बना लेंगे। ओके जी, कटलेट्स हमारे सारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें ये मैंने एक अंडा लिया है, फिलहाल एक अंडा ले रही हूँ, अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा ले लूंगी। और ये 1 प्लेट ब्रेड क्रम्स की है। अंडे को फेंट लेंगे, ये 1 मिनट उठाया, अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्स लगाए इसको ऐसे। दूसरा आपका ड्राई हैंड है उससे आपने इसको ऐसे प्रेस करना है हर तरफ से अच्छे से। और ये जी हमारा कटलेट्स मज़ेदार से तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे हम डन कर लेंगे, पहले अंडे में फिर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इसको। मैं ये सारे ऐसे डन कर लूँगी। ओके जी, ये हमारे कटलेट्स यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्राइंग पैन में ऑयल डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। ओके जी, अभी डन हो चुके हैं और हम इनको निकाल।
तो जी यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन पोटैटो कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक भी कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।